द्वारा मध्य प्रदेश में भूमि माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश के बाद प्रशासन मध्य प्रदेश को भूमि माफियाओं रहित प्रदेश बनाने में लगा हुआ है। भूमि माफियाओं पर लगातार कार्यवाहियां की जा रही है। इसी के चलते इंदौर शहर में भूमि माफियाओं से लोगों को निजात दिलाने के लिए कई भूमि माफियाओं पर कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में आज न्याय नगर में बहुमंजिला इमारत पर निगम की प्रभावशील कार्यवाही हुई, जहां इंदौर के न्याय नगर में निगम द्वारा बहुमंजिला इमारत पर कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही बाबूलाल गौर द्वारा इलाके के 50x50 के प्लॉट पर किए गए बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर नगर निगम प्रभावशाली कार्यवाही करते हुए उसे एक्सप्लोजिव की मदद से ब्लास्ट किया गया। नगर निगम के मुताबिक उक्त इमारत अवैध थी, इसलिए उस पर प्रभावशाली कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहीं बिल्डिंग मालिक का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़ा है, इसलिए उन पर कार्यवाही की गई। बिल्डिंग मालिक ने अपील की है कि सरकार पक्षपात भरी कार्यवाही ना करे। मैडम, निगम द्वारा कार्यवाही नहीं करी, निगम द्वारा मेरे भाजपा पदाधिकारी होने का बदला लिया गया और कोई कार्यवाही नहीं है। ये कार्यवाही इन्होंने 378 प्लाट नंबर के नाम का लीगल नोटिस भेजा है। मैं आपको उसकी नोटिस की कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा कि इन्होंने 378 मकान नंबर के नाम से नोटिस भेजा है। किसको भेजा है क्या नहीं मालूम है, और मेरा जो मकान नंबर है वो 331-332 है। तो आप 378 को नोटिस भेज के 331-32 को तोड़ दोगे, ऐसा कैसे होगा बताओ आप। आपके पास कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस नहीं है मैडम, हमारे पास कोई कार्यवाही नहीं। हमको तो सवेरे यहाँ पे हमारे जो कर्मचारी काम करने आए उन्होंने इतला दी कि साहब यहाँ पे एक नोटिस चिपका हुआ है, जो अभी अभी हमारे सामने चिपका के गए हैं ये लोग, और उसके उसी समय ये लोग तैयार बैठे थे नगर निगम वाले, और इन्होंने तो हम जब तक घर से पहुँचते जब तक तो इन्होंने बुलडोजर वगैरह सब चलाना शुरू कर दिया था हमारे ऊपर। मैडम, ये बिल्डिंग हमने इसलिए बनाई कि एक मैं NGO स्टार्ट कर रहा हूँ अंत्योदय सेवा संस्थान के नाम से, तो उसके लिए हमारा ये था कि या तो हम यहाँ पे एक बच्चों का अनाथालय बनाने वाले थे या वृद्धाश्रम, जो हमारा पहले जो चीज़ हो जाती वो हम इसको चालू करने वाले थे। अब ये यहाँ पे ये अफवाह फैला रहा है कि हम यहाँ पे होटल बना रहे थे, तो होटल हमारा इस एरिए में कोई ऐसा होटल का वो तो था नहीं कि होटल यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसा, और ना कहीं हमने कोई बोर्ड लगा रखा था। अब ये मन से कुछ भी बोल दे कि हम तो ये तो बोल। मैडम, परमिशन क्या, ये इसकी रजिस्ट्री हम पूरा इसका प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, नक्शा हमने वहाँ पे दे रखा था, तो इन्होंने बोला कि अभी इस कॉलोनी में नक्शे स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपका नक्शा हो जाएगा। सारे जो निगम के अधिकारी है सबकी नज़र में था मैडम, जो रोड मेन रोड से जो चीज़ दिख रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख गई तो क्या ऐसे एक दिन में बन जाएगी क्या ये? आप ये बताओ, ये तोड़ने के टाइम तो पूरा नगर निगम इंदौर का यहाँ पे आ गया है। मैडम, कोई वो नहीं हो रही है, ये सिर्फ देवतापूर्ण कार्यवाही हो रही है। भाजपा के पदाधिकारियों को चुन चुन के शिकार बनाया जा रहा है जबरन में। अब ये हमको भी बोल देंगे, मेरा नाम कोई शहर में नहीं जानता, बोल देंगे कोई भूमाफिया है, ये जबरन में बोल देंगे इस चीज़ को। मैं काई का भूमाफिया, कैसे जैसे बिल्डिंग कैसे जैसे बनाई है सब मेहनत कर। मैडम, कम से कम 2 करोड़ रुपए तो लगी गए होंगे इसमें। 3 मंजिल की पूरी बिल्डिंग बनाई है, इसमें फर्नीचर वगैरह प्लाई तक निकालने का मौका नहीं दिया। मैंने बोला सर आप 2 घंटे तो रुक जाओ, इसमें मेरे छोटे भाई का प्लाईवुड का काम है, उसका यहाँ सामान पड़ा है, कम से कम वो तो निकाल लेने दो। कोई मौका नहीं दिया मैडम, कोई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम तानाशाही पूर्वक कार्यवाही है। बदले की भावना से 100% कार्यवाही है कि जैसे आदमी कोई नैतिक नहीं निजी दुश्मनी निकालता है वैसी कार्यवाही।